नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पीसीएम स्टडी आइकन में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे परसेंटेज प्रतिशत। आइए स्टार्ट करते हैं परसेंटेज प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर नोट नोट किया गया है एक्स परसेंटेज। इस परसेंटेज का माने होता है 100। इसको एक्स अपॉन 100 नोट करेंगे, ठीक है। इसको एक्स अपॉन 100 एंड इसका माने ये हुआ कि किसी वस्तु के 100 भागों में से, किसी वस्तु के 100 भागों में से एक भाग, ठीक है, कोई वस्तु है उसको 100 भागों में बांट दिया जाए तो उसमें से एक भाग, तो हमने उसको नोट किया एक्स अपॉन 100, ठीक है, 100। इसको नोट करेंगे एक्स परसेंटेज। अब देखिए 5%, इस परसेंटेज का माने होता है 100, 100, तो 5/100 हो गया, ठीक है। कितना 5 × 5 520, 100, 1/20 हो गया। यानी हम क्या सीखे, कोई भी नंबर हमको दिया गया होगा, ठीक है, उसके साथ में परसेंटेज का साइन दिया होगा। कोई भी नंबर के साथ में परसेंटेज का जब साइन दिया गया होगा तो इसको हम कैसे बनाएंगे, 50 × 1/100 से इंटू कर देंगे, उसमें उस नंबर में 1/100 से इंटू कर देंगे, ठीक है। एक से कट गया, 5 × 5 5 × 10 कितना हो गया 1/2, ठीक। अब कोई नंबर दिया है मानिए 60, साथ में दिया परसेंटेज, कुछ नहीं कहना है, उस नंबर को नोट किया जाएगा और साथ में परसेंटेज जगह पे इनटू में 1/100 नोट किया जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया, ये आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए 100%, ठीक है, 100% का मान होता है 1। अब हमने कहा 50%, 50%, कितना होगा 50 × 1/100, 1 × 1 5 × 10, 1/2 हो गया, ठीक है। अब आगे 25%, कितना होगा 25/100 हो गया, 5 × 5 10 में 5 × 20, 5 × 5 5 4 कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक है। आइए 20%, 20/100, ठीक है, 1 × 1 2 5 10, 1/5 आ गया, ठीक है। अब देखिए 10%, 10/100, 10 × 10 = 100 हो गया, 1/10 हो गया। 5%, 5 × में क्या 1/100, ठीक है, 5 × 20 × 10 कितना हो गया 1/20, ठीक। अब देखिए 100%, 100%, ठीक है, जब ये 100% हो गया, जब ये 100% हो गया इसको कैसे बनाएंगे, 100 × 1/4 नीचे में भी 100, ये आपस में कट गया, कितना आ गया 1 आ गया। मैंने बताया आपको कि 100% जब होगा उसका मान कितना होगा 1 होगा, ठीक है, इसको नोट कीजिए। इसको नोट कीजिए।
है आपके प्रत्येक कंपटीशन के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो कंपटीशन के, उसमें इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए। एक्स का 10% इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे एक्स का माने गुना इनटू हो गया 10 है, परसेंटेज है तो अपन में 100, 10 10 10 100 यानी 100/10 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 20 का 5%, 20 का 5% होगा, 20 का 5% होगा, तो कैसे बनाएंगे इसको? इसको बनाएंगे 20 × 5/100, 1 से 1 कट गया, 5 × 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है, ओके बताइए इसको। क्वेश्चन एक्स का 52%, 52% जिसका मान हमको दिया गया है, तो एक्स का मान बताइए। एक्स का 52% इतना हो तो एक्स का मान बताइए। ठीक है, इसको कैसे बनाएंगे? एक्स का 52% एक्स इंटू 52 अपॉन में 100, कितना है? 182 है। एक्स यहाँ पे एक्स ये देखिए कि इसमें है, यहाँ पे डिवाइड में उस साइड गया तो इंटू में 182 × 100 हो गया। ये क्या है, यहाँ पे इंटू में इस साइड गया तो डिवाइड में 52 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत? काटिए इसको, 2 से काटते हैं। ठीक है, 26, 26 × 2 = 52 हो गया आपका, 2 से 9 = 1। इसको काट दिया जाए 13 टाइम में, इसको 2 से 50 टाइम में। ठीक है, हो गया। अब देखिए इसको 50 को 91 को आपस में इंटू कर देंगे। ठीक है, 5 × 5 = 9, 5 × 45 = 30। ठीक नहीं है ना, 2 से 26 टाइम में कट गया। ठीक है, 2 से 9 टाइम में 18, 2 × 1 = 1, 2 से 13 टाइम में, 2 से 50 टाइम में, अब ये 13 कटेगा। हाँ देखिए कट तो जाएगा, 13 × 13 =
13.7, कितना हो गया आपका आंसर 350 हो गया। ये आपको इसको डिवाइड करना पता है, डिवाइड करते हो नहीं कट कुट के आता, ठीक है आपका आंसर 350, ठीक है हाँ कोई दिक्कत ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइव हंड्रेड फोर्टी का कितना है 75% हाँ का वन पूर्णांक 2/5 कितना दिया गया है। अच्छा अब इसका 540 का 75% का 1/2/5 का हाँ का 2/3 का मान होगा। देखिए क्वेश्चन इतना बड़ा है, ठीक है बहुत आसान क्वेश्चन है, 540 है इसको नोट कीजिए, 540 का है इंटू हो गया 75 हो गया परसेंटेज बट्टे में 100 हो गया का माने इंटू ये देखिए 1/2/5 है, इसको कैसे बनाते हैं इस 5 से 1 में इंटू करेंगे, 5 × 5 इस 5 से 1 में इंटू किया जाएगा, 5 × 5 इसको ऐड कर देंगे तो 5 × 2 कितना हो गया 7 और नीचे में जो नंबर है उसको नोट किया जाता है 5 तो 7/5 इंटू कितना 2/3 है आपका हो गया। तो काटे इसको एक से कट गया, काटिए 15 में 2 × 1 = 2 2 से काटे इसको 5 में 5 × 5 = 15 3 से इसको काट दीजिए क्या बच गया 54 बच गया, यहाँ पे बच गया 7 7 × 4 = 28 2 बच गया 5 × 2 = 378 ठीक है आपका आंसर आ गया। ध्यान से देखिए जब भी कोई नंबर ऐसे फ्रैक्शन में दिया गया हो ठीक है जैसे मानिए 4 हो गया 6/9 हो गया ठीक है इसको हमको फ्रैक्शन में भिन्न में कन्वर्ट करना है ठीक है तो कैसे बनाएंगे इसको तो इस जो नीचे नंबर दिया गया होता है इस नंबर से इस नंबर में इंटू किया जाता है यानी 9 × 4 किया जाएगा ठीक है यहाँ पे जो नंबर दिया गया होगा जो यहाँ पे दिया गया दोनों का आपस में इंटू करते हैं ठीक है 9 × 4 हो गया जो नंबर यहाँ पे बच गया ऊपर में उसको इसमें ऐड किया जाता है ठीक है अपॉन नीचे में जो संख्या था उसको यहाँ पे ऐड किया जाता है और सेम काम किया है यहाँ पे। और बच्चों कोई दिक्कत नहीं ठीक है जी ट्वेंटी फाइव का 0.75% होगा। टाइमिंग है 30 सेकंड, 30 सेकंड में बनाकर दिखाइए। आप सब क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट कीजिए। ट्वेंटी फाइव इंटू 75 हो गया, इस पॉइंट को हटाएंगे तो कितना होगा 100 हो गया इंटू इसका परसेंटेज क्या 1/100 ठीक है यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है तो क्या होगा 1 हो गया 25 से 4 टाइम में 5 से करो इसको 20 टाइम में 5 से 4 टाइम में
16, ठीक है। हो गया हमारा। अब नोट कीजिए टाइप वन, नोट कीजिए टाइप वन। अब यहां से क्या होगा, यहां से हम सब मेन क्वेश्चन में फोकस करेंगे, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आपको एग्जाम जीएनएम का हो, पायामेडिकल का हो, बीएससी नर्सिंग का हो, या अदर कंपटीशन एग्जाम हो, सभी में क्या पूछा जाता है आपसे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए टाइप वन में, टाइप वन। इसको समझिए क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। आइए इसको समझाते हैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से। क्वेश्चन वन, किसी संख्या का सिक्सटीन पूर्णांक 2/3, ठीक है, परसेंटेज इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो फोर नाइन फाइव सिक्स बनता है, तो संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या बताइए। क्वेश्चन नोट कीजिए, किसी संख्या का इतना परसेंटेज, ठीक है, इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो इतना बन जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि वास्तविक नंबर कौन सा होगा, अब देखिए यहां पर कितना नंबर दिया है, 16 पूर्णांक 2/3 दिया है, इसको आपस में इंटू कीजिए, कितना हो गया आपका 48 हो गया, इसको ऐड कीजिए, कितना बन गया 50 बन गया, अपॉन में नीचे का जो नंबर उसको नोट करते हैं, नोट कर दिए, ठीक है। अब क्या है, परसेंटेज है, तो इसको 1/100 यानी 100, ठीक है, 50 से 2 टाइम है, कितना हो गया 1/6 हो गया, ठीक है। अब देखिए 1/6 हो गया, क्या हो गया, ये आपका बन गया 1/6, ठीक है। कहता है क्वेश्चन में कि ऐड किया जाए, इसी नंबर में ऐड किया जाए, तो जब ऐड करते हैं तो नंबर कितना हो गया 1/6 हो गया ना, तो 1/6 को आपस में ऐड करेंगे, कितना बन गया 7 बन गया। ये जो 1/6 आ गया, इसको आपस में ऐड करेंगे किसको, 6 को 1 को, कितना हो गया आपका 7 हो गया। अब देखिए ये आपका बन गया 7, ठीक है, तो 7 यूनिट का मान आपको दिया गया कितना 49.56, 7 यूनिट का मान आपको इतना दिया गया है, तो एक यूनिट का मान कितना होगा आपका 4956/7, ठीक है, 7 से 7 टाइम में, ये 8 टाइम है, आपका एक यूनिट का मान जो है कितना आ गया 708 आ गया,
कोई दिक्कत यहाँ तक आइए। अब देखिए जब कोई भी नंबर दिया गया होता है ठीक है, जैसे कोई भी नंबर दिया गया है 1/6 ये, तो जो आपका वास्तविक संख्या होता है, वास्तविक संख्या होता है वो आपका नीचे क्या होता है ठीक है, और जो ऊपर में होता है ये क्या होता है आपका प्रतिशत मान ठीक है। तो देखिए 7 यूनिट का जो मान इतना दिया हुआ था, तो हमने 1 यूनिट का मान फाइंड किया कितना 708 आ गया, ये आपका 1 यूनिट का मान आया। अभी आपका आंसर नहीं आया है, आपको वह चाहिए क्या वास्तविक संख्या, तो नोट कीजिए वास्तविक संख्या ठीक है। ये क्या है आपका 1 यूनिट का इतना हो गया, तो वास्तविक संख्या कितना यहाँ पर 6 है ना, तो 6 यूनिट का, 1 यूनिट का इतना हो गया, तो 6 यूनिट का 6/708 हो गया ठीक है, 6 × 708 हो गया, इसको इंटू करेंगे तो कितना 42 48 इतना आएगा, क्वेश्चन बन गया। ठीक है बताए इसको, नोट कीजिए क्वेश्चन सेकंड, नोट कीजिए क्वेश्चन सेकंड। किसी संख्या का 6 × 2/3% इसी संख्या में घटा दिया जाए, अभी हमने देखा कि ऐड किया जाए ठीक है, अब देखेंगे घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो इसी संख्या का 6 × 2/3% इसी से घटा दिया जाए तो 5670 ठीक है इतना बनता है, तो वास्तविक संख्या बताइए, क्वेश्चन नोट कीजिए, क्वेश्चन को नोट कीजिए। नोट हो गया, अब देखिए कितना परसेंटेज है, तो 6 × 2/3 ठीक है परसेंटेज, इसको आपस में इंटू कीजिए कितना हो गया आपका 18 हो गया, 8×20 हो गया ठीक है, × 1/100 20 से 5×10 में कितना हो गया 1/15 हो गया ठीक है, आपके पास कितना माना गया 1/15, इसको नोट कीजिए 1/15 ठीक। अब देखिए पीछे जो क्वेश्चन समझाया उसमें क्या था ऐड कीजिए, उस क्वेश्चन में था कि ऐड किया, तो मैंने दोनों नंबर को आपस में ऐड किया, इसमें क्या है घटा दीजिए यानी सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो दोनों नंबर को आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे ठीक है, कितना गया 15 − 1 14 आ गया, 14 आ गया ना, तो 14 यूनिट का मान आपका हो गया 5670, 40 यूनिट का मान आपका इतना आ गया, आपको चाहिए 1 यूनिट का, तो 5 6 इस नंबर को 14 से डिवाइड कीजिए, इस नंबर को 14 से डिवाइड कीजिए कितना 4 × 5×10 ठीक है इतना आ गया। अब हमको चाहिए वास्तविक नंबर, हमको चाहिए वास्तविक संख्या, तो मैंने अभी आपको बताया कि वास्तविक संख्या क्या होता है, आपका नीचे का नंबर जो होगा वो आपका वास्तविक संख्या होगा, तो 1 यूनिट का मान इतना है, कितना यूनिट हो गया 15 यूनिट, तो 15 × 405 इसको आपस में इंटू कीजिए आपका आंसर आ जाएगा ठीक है, कितना आया 405 को 15 से इंटू कीजिए,
60, 75, ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, इस टाइप का एग्जाम, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। वहां तो आपका जेएनबी का एग्जाम हो या पारा मेडिकल का एग्जाम हो, इस सभी एग्जाम में आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आइए क्वेश्चन चेंज किया जाए, ठीक है, टाइप टू किया जाए। टाइप टू, क्वेश्चन नोट कीजिएगा। टाइप टू क्वेश्चन वन, ठीक है, टाइप टू में क्वेश्चन वन, क्वेश्चन नोट कीजिए। अगर किसी संख्या में, किसी संख्या में, इसमें किसी भी संख्या में 64 को ऐड किया जाए, संख्या में 64 को जोड़ दिया जाए, ठीक है, 64 को जोड़ दिया जाए तो संख्या, तो संख्या 157 पूर्णांक 1/7%, ठीक है, बन जाता है। तो संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या बताइए। तो वास्तविक संख्या बताइए। अब देखिए टाइप टू में क्वेश्चन क्या है, टाइप टू में क्वेश्चन आपका आ गया, कोई संख्या है, कोई नंबर आपको दिया गया है, ठीक है, उस नंबर में 64 को ऐड किया गया, किसको, 64 को ऐड किया गया, तो वो नंबर बन गया आपका इतना परसेंट बन जाता है, ठीक है, उस संख्या जो नंबर है उसका इतना परसेंट बन गया। तो बताइए जो संख्या था वो संख्या क्या है, तो हमको चाहिए वास्तविक नंबर, ठीक है। देखिए इस नंबर को नोट कीजिए, 157 बन जाता है, ठीक है, इतना परसेंटेज बन गया, जितना परसेंटेज बनेगा उसको आप नोट कीजिएगा, कितना से बढ़ गया कितना से घट गया उससे हमको कोई काम नहीं है, कितना से बढ़ गया कितना से घट गया उससे हमको कोई काम नहीं है, वो संख्या बन कितना जाता है, तो जितना बनेगा उसको आप नोट कीजिएगा, जितना बनेगा उसको आप नोट कीजिएगा। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, 157 हो गया, 157 को इंटू करेंगे 7 से, 157 को 7 से हम इंटू कर देंगे, ठीक है, कितना पाएगा, 10, 49, ठीक है, हाँ ये सही है, आप सब गुणा कर लीजिए, चेक कीजिए, हाँ। उसके बाद इसको ऐड कीजिएगा, कितना आ गया, 1100/7, एक परसेंटेज हटा नहीं है, ठीक है, अब देखिए आप नोट कीजिए, 1100/7 into 1/100, ओके, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया आपका, 1100/7, ठीक। अब देखिए अब इस नंबर को नोट कीजिए, इस नंबर को नोट कीजिए,
तो क्वेश्चन कहता है कि किसी संख्या में कोई नंबर है, हमको पता नहीं नंबर कौन सा है, कोई नंबर हमको दिया गया है वो नंबर हमको पता नहीं है नंबर कौन सा है। कहते हैं कि उसमें 64 को ऐड किया गया, किसको 64 को ऐड किया गया तो नंबर इतना परसेंट बन जाता है, जो नंबर था उसका इतना परसेंटेज बन जाता है, तो बताइए नंबर क्या है। तो हमने जितना परसेंटेज बना उसको नोट किया और उसको बनाया तो कितना गया 11/7 आ गया। अब देखिए दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों के बीच का डिफरेंस, दोनों के बीच में अंतर कितना का है 4 का है, यानी इस 7 में कितना ऐड किया जाए कि जो ऊपर में नंबर है वो आ जाएगा। तो आपने कहा सर 7 में 4 को ऐड करेंगे तो कितना ऊपर के नंबर हमको आ जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इस 4 यूनिट का मान आपको कितना दिया गया है 64। इस नंबर में कितना 4 को ऐड किया गया तो कितना ये नंबर हमको आ गया। ठीक है, तो 4 यूनिट का मान कितना दिया गया क्वेश्चन में, 64 को ऐड किया गया है तो 64 को ऐड करेंगे यहाँ पे, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 64/4। कितना गया 16 आ गया। ठीक है, आपका 1 यूनिट का मान कितना आ गया 60 आ गया। अब देखिए वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या क्या होगा, तो जो नीचे का नंबर होता है आपका होता है वास्तविक संख्या 7/16। जो नंबर होता है नीचे का आपका क्या होता है, मैंने बताया आपको नीचे का नंबर आपका वास्तविक संख्या होता है, तो जब 4 यूनिट का मान आपको 64 दिया है तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया आपका 16 आ गया, तो 7 यूनिट का मान कितना आ गया आपका 16/7 112 आंसर बन गया, और नंबर क्या था 112। ठीक है, ठीक है, बताइए इसको सेम इसी टाइप पे एक क्वेश्चन मैं दूंगा। ठीक है, अभी सेम इसी टाइप पे एक क्वेश्चन दूंगा, वो क्वेश्चन आप सभी को बनाना है, ये क्वेश्चन आप सभी को बनाना है। ठीक है, बनाइए आंसर, आप सभी आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स में, आप सभी बनाकर दिखाइए। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड, किसी संख्या में 16 को जोड़ दिया जाए तो संख्या 116/2/3% बन जाता है, तो वास्तविक संख्या बताइए, तो वास्तविक संख्या बताइए, बनाइए तेजी में। देखिए 116/2/3% कितना आ गया आपका, कितना 7/6। ठीक है, 7/6 आ गया। ठीक, अब देखिए 7/6, इस 6 में जो नंबर है 6 में कितना ऐड किया जाए कि हमको 7 आएगा, तो 6 में 1 को ऐड किया जाए। ठीक है, कितना आ गया 7 आ गया, इस 6 में कितना ऐड किया जाए कि 7 आएगा। मैंने अभी आपको बताया कि किसी संख्या में कितना जोड़ दिया जाए या घटा दिया जाए उससे आपको अभी कोई काम नहीं है, कितना परसेंटेज बन जाता है या घट जाता है जो भी होगा उसको नोट किया जाएगा। ठीक है, यहां से परसेंटेज को हटाएंगे, कितना गया 7/6 आ गया। अभी 7/6 के माध्यम से ही हम क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक, ओके, 7/6 हो गया, कितना का डिफरेंस है 1 का, इस 6 में 1 को ऐड किया जाए तो कितना है 7 आएगा, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो गया 16 हो गया, 1 यूनिट का मान कितना हो गया आपका 16 हो गया, क्यों क्वेश्चन में दिया है 16 जोड़ दिया गया तो
एक यूनिट एक को ऐड किया गया ना, तो कितना ऐड हो गया, 69 हो गया। तो कितना यूनिट है हमको, तो हमको चाहिए वास्तविक संख्या, हमको चाहिए वास्तविक संख्या। तो कितना यूनिट है आपके पास में, 6 है। एक का मान कितना है, 16 है, इनटू 16 कितना गया, 96 आ गया, बन गया क्वेश्चन। इसको नोट कीजिए, यहां से टाइप को चेंज किया जाएगा, यहां से टाइप को चेंज किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है किसी बल्ब की भुजा, ठीक है, कितना 40% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल में, बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको मिटाए ना, अब देखिए ध्यान से, यहां से मैंने टाइप चेंज कर दिया, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एनी टाइम पूछा जाता है, ठीक है। देखिए कोई बॉयग हो गया यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर हो गया, इसके एक साइड में एक भुजा में, ठीक है, इसके जो भुजा है, जो इसका साइड है, इसके साइड में हम 40% की वृद्धि की है, ठीक है, 40% बढ़ा दी है। जब 40% अब इसको बढ़ा दी है तो पूछता है, कितना 40% बढ़ा देगा, ठीक है, तो 40 × 1/100 कितना हो गया, 2/5। ये नंबर कितने से बढ़ा दिए गए, उस भुंजा को 2/5 से बढ़ा दिए गए, कितने से, 2/5 से। इसको मिटाए, फोर्टी परसेंट यानी कितना, 2/5, उसके भुजा को 2/5 से बढ़ा दिया गया। तो यहां पर नोट कीजिए वास्तविक संख्या, नीचे नोट कीजिए नई संख्या, ठीक है, यहां पर नोट कीजिए भुजा, यहाँ पे उसका क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब देखिए 2/5, तो वास्तविक संख्या कितनी होगी आपकी, 5 हो गई, तो वास्तविक नंबर कितना है आपका, 5। जब भुंजा का मान 5 होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, 25 होगा। जब भुंजा का मान 5 होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, 25 होगा। अब देखिए नई भुजा कितनी हो गई, तो 5 × 7 बढ़ा दी गई ना, तो दोनों को ऐड कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, कितना हो गई, 7 हो गई। जब नई भुजा 7 हो गई तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 49 होगा। जब 5 थी तो 25 था, जब 7 हुआ तो 49 हो गया, ठीक, इतना तो कोई दिक्कत। अब देखिए इस दोनों में कितने का डिफरेंस है, इस दोनों में 20 का डिफरेंस है, ठीक। देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि भुंजा को 40% से बढ़ा दिया गया, तो 40% है, इसको नोट कीजिए, 40 × 1/100,
ठीक है, कितना आ गया ये 2/5। तो मैंने आपको पीछे ही बताया कि जो नीचे का नंबर होता है वो होता है आपका वास्तविक नंबर। तो कितना है वास्तविक संख्या? 5 है। तो वास्तविक संख्या 5 है, तो जब भुजा का मान 5 होगा तो क्षेत्रफल कितना होगा? उसका दोगुना होता है, 25 होगा। अब देखिए कितना 2/5 है ना, दोनों को ऐड कीजिए, 5 × 7 क्यों ऐड किया मैंने? ऐड करके बढ़ा दिया गया, और क्वेश्चन कहता है कि उसको घटा दिया गया, क्वेश्चन में दिया गया होता कि इसको घटा दिया गया, तो इसको दोनों को आपस में माइनस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया दोनों को बढ़ाते गया, दोनों को ऐड किया जाएगा, तो कितना हो गया आपका 7 हो गया। तो जब नई भुजा आपका 7 हो गई तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 49 हो गया। तो क्षेत्रफल वृद्धि कितने की हुई? तो 49 - 25 क्षेत्रफल 24 से बढ़ गया। जब भुजा को 5 से 7 किया गया तो क्षेत्रफल भी 25 से 49 हुआ, यानी 24 की वृद्धि बढ़ गई। कितना बढ़ गई? 24 बढ़ गई, ठीक है। तो जितना नंबर बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 24 बढ़ गई। अब देखिए आपको वास्तविक जो क्षेत्रफल था वो कितना था? वास्तविक नंबर 5, तो उसका क्षेत्रफल 25, तो 24 को 25 से डिवाइड कीजिए, इनटू में 100 कीजिए, ठीक है। इसको काटिए, 25 से 4 टाइम में 4 × 4 = 16, 8 × 9 = 96, कितना आ गया आपका? 96%। देखिए यहाँ पर क्या किया हम, यहाँ पे 24, ठीक है, क्षेत्रफल जितना नंबर से बढ़ जाए, क्षेत्रफल जितना नंबर से बढ़ या घट जाए अपॉन वास्तविक, वास्तविक क्षेत्रफल इंटू 100, ठीक है। तो कितना से बढ़ गया? 24 से बढ़ गया, ठीक है। तो 24 वास्तविक कितना है? 25 है, 25 × 100, तब कितना हो गया? 96% से क्षेत्रफल भी आपका बढ़ जाएगा। नोट कीजिए, इस क्वेश्चन को बनाइए, किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए, क्वेश्चन सेम है, उसमें था 40%, यहाँ पर हो गया 25%, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, दोनों क्वेश्चन है कि ये बस नंबर यहाँ पर चेंज किया गया, कितने किसी वर्ग की भुजा 25% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाएगा या घट जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब भुजा बढ़ गया तो उसके क्षेत्रफल भी बढ़ जाएगा, भुजा घट गया तो क्षेत्रफल भी घट जाएगा। ट्वेंटी फाइव परसेंट, ठीक है, कितना हो गया आपका? 25 / 100 = 1/4 हो गया, ठीक है। तो यहां पर नोट कीजिए भुजा, यहां नोट कीजिए क्षेत्रफल, साइड में वास्तविक, वास्तविक नंबर, ठीक है, संख्या, नीचे में नई संख्या। अब देखिए वास्तविक नंबर कितना था? 4, ठीक है, तो जो भुजा 4 तो क्षेत्रफल 16, नया नंबर कितना बन गया? 4 × 1 = 5 बन गया, तो 5, तो 25 हो गया। अब देखिए 16 से 25 हो गया कितना? 9 बढ़ गया, 16 से 25 हुआ कितना बढ़ गया? 9 बढ़ गया। तो हमको क्या चाहिए? हमको चेक करना है क्षेत्रफल में कितना बढ़ा या घटा, तो कितना 9 हो गया ना, तो 9/, उसका वास्तविक क्षेत्रफल कितना था? 16, तो 16
इंटू 100, ठीक है, काटिए 2 से, 2 से 4 टाइम में, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे 25 इंटू 9 को इंटू किया, कितना गया 225 आ गया, 225 आ गया, ठीक है। नोट कीजिए, हाँ इसको बना लीजिए, इसको डिवाइड कीजिए 4 से, 5 डे में 20 25, 6 टाइम में 24, 1 बचा 10, 4 2 जा 8, 8 2 5, कितना हो गया 56.25 से बढ़ जाएगा, 56.25 से बढ़ जाएगा, ठीक है, बताए। इसको कहता है यदि पीयू, यदि पी क्यू से, यदि पी क्यू से 6 गुना है, यदि पी क्यू से 6 गुना है तो बताइए, यदि P Q से 6 गुना है तो बताइए Q P से, Q P से कितने परसेंट अधिक है। यदि P Q से 6 गुना है, किससे Q से 6 गुना है तो बताइए Q P से कितने परसेंट कम है। तो बताइए क्यू पी से कितने परसेंट कम है। देखिए पी क्यू, पी क्यू, क्यू जब 1 है तो 6, पी कितना है 6 है, जब क्यू 1 है तो पी आपका 6 है, कहता है P Q से 6 गुना है, P Q से 6 गुना है, जब Q आपका 1 है तो P कितना है 6 है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, दोनों का बीच का डिफरेंस 5 है, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है आपका 5 है, तो आप नोट कीजिए 5, क्यों P जो है Q से 5 अधिक है, 5 अपॉन P कितना है 6 इंटू 100 कीजिए, क्यों क्वेश्चन पूछता है पी से कितने परसेंट कम है, तो पी से कम है तो पी से डिवाइड कीजिए किसको, क्यू से पी कितना बढ़ गया 5 बढ़ गया, तो 5 अपॉन 6 इंटू 100 कीजिए, ठीक, कितना 5 5 25, इसको आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि एक्स वाई से, यदि एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है, एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है, ठीक है। क्वेश्चन दिया गया है कि यदि एक्स वाई से 25% ज्यादा कमाता है तो वाई एक्स से कमाता है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम कमाता है। बनाइए सेम क्वेश्चन है। एक्स इंटू वाई, ठीक है, अर्थात एक्स वाई से 25% तो 25% तो कितना होगा, 25 का मान 1/2 हो गया, 1/4 होगा, ठीक है। 25 का मान क्या होगा, 25% कितना, 1/4। एक्स वाई है तो आपका वाई का मान कितना हो गया, 4 हो गया, एक्स का मान आपका 1 हो गया, वाई का मान आपका 4 हो गया। अब एक्स का मान क्या करते हैं, देखिए 25% अधिक कमाता है तो आपका जो वास्तविक नंबर होगा कितना, 4 हो गया। तो जब वाई 4 कमाता है तो एक्स कितना कमाएगा, एक्स कमाएगा यहाँ पे 1 है, नीचे 4, 1, 5। एक्स 1 कमाया बट वाई से अधिक कमाया ना, एक्स कितना कमाया, 1 कमाया, 1 कमाने के साथ में वाई से कितना अधिक है, 4 अधिक है ना, तो इस 4 को हम ऐड कर देंगे, 4, 1, 5। तो y का मान वो x का मान 1 नहीं 5 होगा, ठीक है। x कितना हो गया, 5 हो गया, y कितना हो गया, 4 हो गया, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, y से कितना अधिक है, 1 अधिक हो गया, y से 1 अधिक हो गया। तो हमको चाहिए x का मान, तो x का मान चाहिए, तो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, 1 यूनिट कितना अधिक हो गया, 1 यूनिट अधिक हो गया, कौन हो गया, x हो गया। y से x एक यूनिट अधिक कमाता है, तो x का मान कितना है, 5 है, x 5 कमाता है इनटू 100, तो 5 से 20 यानी कितना, 20%। तो जो x है ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप से और भी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में कहूंगा मैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।